हेलो गाइस, आई एम हेयर टू टीच यू मैथ इज प्राइम क्लास 8। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4। आई एम हेयर टू टीच यू एक्सरसाइज 9.5। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? लेट मी जूम द पीडीएफ। हाँ, द कॉस्ट ऑफ एन एंटीक वैसे इंक्रीज बाय 6% एवरी ईयर इफ इट्स प्राइस इज ₹2500। वॉट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ एन एंटीक वैसे इंक्रीज बाय 6%। क्या होता है, एक एंटीक वैसे है मतलब वेसल सी मान लो आप, या कोई बर्तन मान लो, या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। 6% एवरी ईयर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। इफ़ इट्स प्राइस इज़ ₹2500, अगर उसकी प्राइस कितनी है, 2500 है, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर, तो उसकी प्राइस आफ्टर 3 ईयर में कितनी हो जाएगी। सो हियर इज़ आवर आंसर। प्रेजेंट प्राइस इज 2500, एनुअल इंक्रीज इन प्राइस 6%। इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, पहले हम फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे, तो फर्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे, 6% ही सीधे सीधे हमको रख देना है। 2500 मल्टीप्लाइड 100 सॉरी 25 मल्टीप्लाइड 6/100 करेंगे तो हमको फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 150 जो हमारे पास आएगा। सो प्राइस आफ्टर फर्स्ट ईयर 2500 प्लस 150 इक्वल टू 2650 इंक्रीज इन अ सेकेंड ईयर। ओके, देन सेकेंड ईयर का निकालेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में किया था, 6/100 मल्टीप्लाइड 2650। सो दिस टाइम वी विल गेट 159। ओके, द प्राइस आफ्टर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के आफ्टर कितनी प्राइस हो जाएगी, उस नंबर को जो हमने सेकेंड ईयर का हमारा ये प्राइस आया, इसको हम उसी नंबर पे ऐड कर देंगे। तो 2650 प्लस 159, सो इट बिकम 2809। ओके ना। इंक्रीज इन थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर में प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है वो बोल रहा है, ठीक है। थर्ड ईयर का भी फाइंड करेंगे, 6/100 मल्टीप्लाइड 2809। सो वेन वी सॉल्व दैट इक्वेशन, सो वी विल गेट 168.54। ओके, प्राइस आफ्टर थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर का प्राइस हमारे पास आ गया है तो हमको इसको ऐड कर देना, ठीक है ना। जो जितना आया था, देखो पहला हमारा कितना था, सेकेंड ईयर वाला 2809 प्लस 168.54, सो वी विल गेट 2977.54। ओके, सो दिस इज आर आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट द क्वेश्चन नंबर टू इज ट्राइंग टू से। क्वेश्चन नंबर टू इज दैट अ कार वॉज बॉट इन अ करेंट 2015 फॉर 3 लैक्स। एक कार खरीदी जाती है 2015 पे 3 लैक्स की। इफ द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिसिएट मतलब कम होना, ठीक है ना, बाई 5% ईच ईयर। तो अब उसका क्या होता है कि वैल्यू होती है डिप्रिशिएट होने लगती है, मतलब कम होने लगती है 5% ईच ईयर, ठीक है ना। सो फाइंड इट्स वर्थ इन द ईयर 2018। अब वो पूछ रहा है कि इसका हमको क्या बताना है, वर्थ बताना है कि 2018 में इसकी प्राइस क्या होगी अगर 5% ऐसे ही डिक्रीज होती जा रही है तो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा, पहले तो हम पूरी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है 2018 में, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 18 पे देना है। अ कार वॉज बॉट इन करेंट 2015 फॉर 3 लैक्स। एक कार जो है 2015 में 3 लैक्स में खरीदी गई है। इफ द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिसिएट बाई 5% ईच ईयर, अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है कि 5% ईच ईयर कम हो रही, तो क्या करना है, टू फाइंड करना है हमको कॉस्ट प्राइस इन द ईयर 2018। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है ना। इन 2015 कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है,
3 लाख। डिप्रिशिएट कितनी हुई, रेट 5% हुआ। अब हम क्या करेंगे, 5% इसका निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड 5/100, इस पर जब सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 1500। ओके, टोटल डिप्रिसिएशन 3 ईयर में कितना हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाइड 3, क्योंकि ये तो 1 ईयर का है, वो बोल रहा है 3 ईयर का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4500, सॉरी सॉरी 45,000। सो नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज इन 2018, 3 लैक्स में हम क्या करेंगे, 45,000 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा ये प्राइस आएगा 2,55,000, यही हमारा 2018 में कार की प्राइस होगी। अब चलते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 3rd में। एन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज़ 5,000 स्टूडेंट्स, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट्स हैं इन 2014 में। ओके, इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4%। अब क्या बोल रहा है कि अगर क्या होता है, स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की इंक्रीज होती, मतलब बढ़ती है एट द रेट ऑफ 4%, मतलब 4% की दर से एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2016। अब हमको 2 साल बाद बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2016, सीधी सी बात है। तो 2 ईयर्स के बाद हमको बताना है 4% रेट पे। तो हमने इसको, ये क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं बन पाई, जिस कारण से मैंने इसको सोल्यूशन रफ वाला दे दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5,000 इन 2014, ओके ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट अब हमको क्या करना है, 2015 का निकालना है, 4% रख देना है, 4% ऑफ कर देंगे तो कैसे, 4/100 मल्टीप्लाई 5,000, ओके ना। स्टूडेंट इन 2015 कितना हो गया, 5,200, सीधी सी बात है। इसको 200 जो आया है उसमें 5,000 में ऐड कर देंगे, क्योंकि 4% इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2016 फिर से 4% निकालेंगे, जो हमारा नंबर आया, तो 4/100 मल्टीप्लाइड 5,200, ओके। सो नाउ दिस टाइम वी विल गेट 208, ओके ना। देन वी आर गोइंग टू ऐड द थिंग्स अगेन, सो इट बिकम्स 5,200 प्लस 208, सो वी विल गेट 5,408, एंड दिस इज आर आंसर। सिंपल थिंग इज दैट। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्राइंग टू से। इन 2016, मतलब 2016 में, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड द हिल स्टेशन वॉज, क्या कितने थे, 50 लैक्स, ओके ना। तो मतलब जो 2016 में टूरिस्ट ने विजिट किया था हिल स्टेशन पे, वो कितने थे, 15 लैक्स। इफ इट इंक्रीज बाई 4% एवरी ईयर, अब ये क्या हो रहा है कि 4% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, मतलब 4% बढ़ते जा रहे हैं एवरी ईयर फॉलोइंग 2016, ठीक है ना, 2016 से आगे चलते हुए। फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड द हिल स्टेशन इन 2019। अब हमको बताना है कि 2019 में कितने टूरिस्ट विजिट करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको सीधी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो वही फार्मूला हम इसमें भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वही वाला फार्मूला जो हमने ऊपर सॉल्व किया। ऊपर वाला देखो, ऊपर हमने क्या किया था ना, 4/100 मल्टीप्लाइड 50 लैक्स, वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। देखो तो ये 50 लैक्स हो गया, 100 मल्टीप्लाइड 4, सो वी विल गेट हाउ मच, वी विल गेट 2 लैक्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 2 लैक्स ऑन 50 लैक्स। सो इन 2017 हाउ मेनी टूरिस्ट आर देयर, कितने टूरिस्ट थे, 52 लैक्स, ओके। एंड अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इन 2017, 2017 का भी सेम वही प्रोसेस है, उसको सॉल्व करेंगे। 52 लैक्स का मल्टीप्लाइड 4/100 कर देंगे, दिस टाइम वी विल गेट 2,08,000, ओके ना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इट अगेन, सो इट बिकम 54,08,000। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इन 2018, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 2018, सो वी विल डू द सेम, 54,08,000 मल्टीप्लाइड 4/100, सो दिस टाइम वी विल गेट 2,16,320,
and now we are going to add it. If when we are going to add in 54,800,000, so it becomes 56,24,000. Oh, sorry, 56,24,320. Okay, na? So this will be our right answer. आपको ये क्वेश्चन एक बार देख लेना है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू विल फाइंड इट इजली. अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करके आप इसको ले सकते हैं. मैथेस प्राइम के नाम पे ही टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है. द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 6% एवरी ईयर. क्या होता है द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन डेप्रिसिएट, फिर डेप्रिसिएट आएगा, डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम होना, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 6%, 6% पे एवरी ईयर वो कम होता है. इफ़ इट्स करेंट कॉस्ट इज़ 20,000, अगर उसकी करेंट कॉस्ट कितनी है 20,000, वॉट विल बी द प्राइस आफ्टर 4 ईयर, मतलब 4 साल बाद उसकी प्राइस कितनी होगी, ठीक ना. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 6%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है ना. फिर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर इक्वल टू ए, फिर ये हमको सबको पुट अप कर देना, ये हमारा फार्मूला है. इसमें जैसे वो वाला SI वगैरह निकालने के लिए यूज करते थे हम लोग ना, CI यूज करने के लिए, वही वाला फार्मूला कर देंगे. P1 माइनस ये यहाँ पे I रखा लिया हुआ है, जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे और अपन 100 करते थे कि पावर एन करते थे, तो वही फार्मूला पुटअप कर देंगे. तो हमारा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसे कर इसकी इक्वेशंस बनेंगी, और इसको टोटल सॉल्व करने में हमारा कितना आ जाएगा 9,957.42. ओके, सो विदाउट फर्दर डिले वी हैव सॉल्व दैट इक्वेशंस. सो आई होप सो यू गाइस लाइक द वीडियो. And if you like the video, so please hit the like button. So it's motivate me to make more videos. So thank you for all guys. Bye bye.